तो कानपुर हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आखिर इस आशंका के पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोपहर के बाद अचानक भीड़ बेकाबू हो जाती है। भारी संख्या में समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, पत्थर बरसाए जाने लगते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश थी? यूपी पुलिस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। इस बीच सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया है कि हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को उकसा करके पीएफआई के तस्लीम रहमानी के द्वारा बयान दिलवाना, उस बयान के बाद सुनियोजित तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई द्वारा लोगों को आमंत्रित करना और शुक्रवार का दिन चुनना कि जिस दिन मुस्लिम समाज मस्जिदों में ज्यादा तादाद में जाता है, सारी चीजों का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कि कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है। पहले समझ लीजिए कि पीएफआई है क्या। पीएफआई मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का एक संगठन है। इसका नाम बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली साजिशों में आता रहता है। बैन लगाने की मांग उठती रही है। कानपुर हिंसा की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक हाल में पीएफआई ने मणिपुर और इम्फाल में बंद कॉल किया था, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कानपुर बंद के पीछे भी इसी संगठन का हाथ हो सकता है, जिसकी जाँच में पुलिस जुट गई है। पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से कानपुर हिंसा को अंजाम दिया गया उसको देख कर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। समय, जगह और तारीख बहुत सोच समझ कर तय की गई थी। तो वही कानपुर हिंसा केस में अब पुलिस ने भी धरपकड़ तेज कर दी है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस मामले में 500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। जैसे जैसे यूपी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कानपुर हिंसा की परतें खुलती जा रही हैं। ठेले से पत्थर लाए गए, भीड़ ने पत्थरबाजी की। इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर। ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। हयात जफर हाशमी हजरतगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। जौहर फैंस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुस्लिम नेता के तौर पर चर्चित, राजनीतिक दलों से साठ गांठ का आरोप है। पुलिस के मुताबिक हयात और उसके समर्थकों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को दुकानें बंद रखने का आह्वान किया था। इस बीच जफर हयात की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्नी और बहन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि जफर निर्दोष है। ये पूरा प्लान के तहत उनको फंसाने की साजिश है। जफर हाशमी बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। कानपुर में कल हुई हिंसा का एक CCTV फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में उपद्रवी बम फेंकते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हिंसा के आरोपी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। CCTV में कैद ये तस्वीर कानपुर हिंसा के उस सच को बयान कर रही है जो सवाल बनकर खड़ा है। इस वीडियो में उपद्रवी जमकर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, दुकानों पर पत्थर चला रहे हैं।
सीसीटीवी में कैद हर तस्वीर गवाह है कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ अचानक कैसे बेकाबू हो गई। कानपुर हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें उपद्रवी सब्जी के ठेले पर पत्थर लाद कर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानपुर हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे, वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब दुकानों में तोड़फोड़ करने के लिए उपद्रवी आगे बढ़ रहे थे, उनकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर भी थी, लिहाजा वो सड़क के किनारे जगह जगह लगे कैमरों को भी निशाना बना रहे थे ताकि उनकी काली करतूत रिकॉर्ड न हो सके। बताया जा रहा है कि हिंसा से पहले मौलानाओं की बैठक हुई थी जिसमें हिंसा का मास्टरमाइंड हयान जाफरी जफर हाशमी भी शामिल हुआ था। पुलिस ने हयान को गिरफ्तार कर लिया। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।